के भाई मौत के आगे हार लिया और लीचू में वतन की धरती इस भारत मां की मिट्टी को नमन किया और मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी रहो चिट्ठी पूरी कर दी मौत के आके हार गया रे मौत के आके हार गया लीचू वतन की धरती मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी रहो चिट्ठी पूरी कर दी बहुत अच्छे कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष यूं ही मेले और इस वतन पर मरने वालों को यही आखिरी निशान होगा। लोग आते हैं जन्म लेते हैं चले जाते हैं, कितने लाखों लोग पैदा होते हैं कितने चले जाते हैं कोई नहीं जानता। जीना उसका होता है जो इस देश के लिए जीता है इस समाज के लिए जीता है। सरदारों सबसे पहले अपने मां बापों का ख्याल आया क्योंकि एक बाप जिसकी पूरी जिंदगी चली जाती है अपने बच्चों के पालने पोषने में अपने लिए कुछ नहीं करता बेटों के लिए करता है। जाड़े का समय अपने मां बाप के लिए दो शब्द सबसे पहले चिट्ठी में लिखे क्या बता क्या लिख दिया बहुत अच्छे और ये बड़ा धन्यवाद करूंगा 201 रुपए आदरणीय मुझे बताकर गए थे वीर सिंह जी शायद नाम था उन्होंने इस रागणी से पहले ही दे दिए थे। मैं समझता हूं ये मेरा सम्मान नहीं है ये आप लोगों की तरफ से उस वीर सैनिक का सम्मान है जो देश के लिए खड़ा है अपनी जान गंवा रहा है। आइए सुनेंगे पहली कली में क्या लिख दिया क्या बताया कल सोचे था छुट्टी लेके कल सोचे था छुट्टी लेके अपने घर जाऊंगा चार रजाई हुई पुरानी जाके नहीं बनाऊंगा मेरी माता के जर्सी जूते उसे ले जाने पहराऊंगा और बापू की धोती कुर्ता उसे एक कंबल भी ले जाऊंगा रे कंबल भी ले जाऊंगा मेरी अब की तनख्वाह जावेगी रे अब की तनख्वाह जावेगी रे कट जावेगी सर्दी मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी रहो चिट्ठी पूरी कर दी और हमारे आदरणीय हाँ जी मैनपाल शर्मा मैनपाल शर्मा जी उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान मेरी सिपाही की रागणी पर आया है हमारे आदरणीय भाई धर्मपाल भाभरा जी उनकी तरफ से 100 रुपए। सरदारों इंसान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है वो परिवार को भूल जाता है। सबसे पहले ये सोचा कि मेरे माँ बाप जाड़े में मर रहे हैं अब की तनख्वाह ले जाकर अपने बाप के और अपनी माँ के दुख दूर करूंगा लेकिन समय का कुछ नहीं पता पता नहीं कब आ जाए। लिखा भी है किसी ने हो गालो मुस्कुरालो महफिल सजालो गालो मुस्कुरालो महफिल जाने साथी कोई कब छूट जाए जीवन की डो बड़ी कमजोर जीवन की डोर हो
जो जाते ही दोनों बालका की जाते ही दोनों बालका की स्कूल ड्रेस दिलवानी है। पापा टीचर रोज पीटते जूते जुराब दिलानी है। मेरी बड़ी बेटी ने रगुड़िया चाहिए जो चार साल की आनी है। मेरे बेटे ने बंदूक मंगाई मन उसकी बात उगाड़ी है रे उसकी बात उगाड़ी है। इन आँखा में परिवार घूम गया हो आँखा में परिवार घूम गया सा गई मौत की जर्दी मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी रे हो चिट्ठी पूरी कर दी हो बेटा और एक बेटी। बेटी के लिए गुड़िया और बेटे ने बंदूक मंगाई उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल आया लेकिन मौत ने घेर लिया। तीसरी कली में अपने पत्नी को याद करता है। मैं नमन करता हूं भारत की शिवरंगनाओं को जो पतिव्रता धर्म निभाते हुए हमारे वीर सैनिकों को सांत्वना देती है हिम्मत बंधाती है। आदरणीय राम कुमार धाना जी हाजीपुर से 151 रुपए का सम्मान इस रागनी पर आया तहे दिल से मैं आपका धाना साहब बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे आदरणीय भाई जी तीसरी कली में क्या लिख दिया क्या बताया लाजवती ते रोज लड़े जा लाजवती ते रोज लड़े जा फोन पे फोन करे जा से छह महीने आए न होलिए ताने रोज धरे जा से मेरे ओढ़न खातर नहीं दुसाला जाड़े में रोज मरे जा से तेरे फोटू देख देख जीलू मेरा रह बेटा नहीं भरया जासे हो बेटा नहीं भरया जासे तू भूल गया इस देश की खातर भूल गया इस देश की खातर मुझ ब्याही ने बेदर्दी मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी रहो चिट्ठी पूरी कर दी हमारे मुख्य अतिथि जब नहीं थे जब मैंने एक बात कही थी कि दो तरह के लोग आते हैं कार्यक्रम में एक सुनने वाले और एक देखने वाले। मैं गा रहा हूं अपने वीर सिपाही की रागनी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए वो भाई नाच रहा है उसे कोई मतलब ना कोई सुसरा मरो मरो मत मरो
हमने सुबह एक देसी का पौवा मिल जाए, सांझ को रोटी मिल जाए, एक गिलास छाए मिल जाए, अपनी ऐसी में जाओ दुनियादारी। ये देखो, अरे मेरा समाज, मैं तो अपने समाज को ही कहूंगा, क्योंकि जो मरा अपने के लिए मरा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। संभवतः जो लोग यहां खड़े हैं वो एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद उन लोगों का करूंगा जो इस रागिणी पर उस वीर सम्मान, वीर सिपाही का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय लक्की गुजर नंगड़ी की तरफ से 201 रुपए, और भाई विराट अवाना जी की तरफ से 100 रुपए इस रागिणी पर सम्मान आता है, धन्यवाद करता हूं बार बार। और ये ढासरी से आदरणीय मास्टर सतपाल कलशान जी, भाई एक बार जोरदार ताली हो जाने, 1100 रुपए से मेरी स्टीम का सम्मान करते हैं। मैं धन्यवाद इसलिए इस रागिणी पर बार बार कर रहा हूं कि मेरा सम्मान तो आप लोग और रागिणी में भी कर देंगे, लेकिन यहां पता लगता है कि हम लोग कितने अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, कितना हम अपने वीर सैनिकों से प्यार करते हैं, कितना हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आपका बार बार धन्यवाद करूंगा। चौथी कली इस रागिणी की रह रही है, चार लाइन इस रागिणी की रह रही है। सरदारो खून से लथपथ, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मंत्री जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान एक बार जोरदार ताली में आदरणीय के लिए चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आदरणीय आदरणीय सभा के जो पूर्व अध्यक्ष इलम सिंह जी, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान, भाई एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आज दर्शन हो गए, कई बार मैं तो सुनता रहता हूँ, बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और आदरणीय धर्मपाल प्रधान जी शेखपुरा, उनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौथी कड़ी किस तरह से खून से लथपथ, उस नारायण सिंह गुजर ने अपनी बात का अंत कर दिया और इस मिट्टी में विलीन हो गया। कवि ने क्या लिख दिया, क्या बताओ। खून से लथपथ शेरे हिंद पे, खून से लथपथ शेरे हिंद पे, फेर मूर्छा आगी, वहां लिखवा दो मैं। खून से लथपथ शेरे हिंद पे, फेर मूर्छा छागी, राम राम मेरी भारत माता, तेरे काम ये मिट्टी आ गई। माँ बापू मेरे मत रोइये, मेरी लाश घर जब जागी, उन बच्चों ने समझा दी जो मेरी रह लाजवती, निर्भागी रहो लाजवती निर्भागी। फिर गौतम भाटी ने वो इतनी लिख के, गौतम भाटी ने इतनी लिख के रात कलम तोड़ के धर दी, मौते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी, रहो चिट्ठी पूरी कर दी। जब मौत के आगे हार लिया रे, मौत के आगे हार लिया, लीचू वतन की धरती, मरते मरते शेरे हिंद ने चिट्ठी पूरी कर दी, रहो चिट्ठी पूरी करे दी। बस जोरदार।